To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! Hello everyone! In this video, I'm going to show you a very delightful, fragrant, and very useful winter DIY, which is a glycerin soap with herbs. इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक सोप जिसमें हम जिसको हमने ग्लिसरीन बेस में से बनाएंगे उसका बेस जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल हमारी लाइफ में केमिकल्स का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसमें से एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं. उसमें से सोप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ हम अपनी स्किन के द्वारा कुछ केमिकल्स को भी हमारे बॉडी के अंदर डालते रहते हैं. इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते हमें स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स या फिर एलर्जी हो जाती है. ये सब सोचने के बाद आई हैव ट्राइड सोप मेकिंग फॉर माई फैमिली एट होम टू गिव माई फैमिली द बेस्ट हेल्थ. इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक ग्लिसरीन बेस्ड सोप DIY जिसको हम रोजाना यूज कर सकते हैं और किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने से आपके काफी सारे विंटर स्किन प्रॉब्लम्स कम हो पाएंगे और आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर्स या और किसी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी. Melt and pour soap is a great option for beginners. जिसमें आपको सिर्फ उसको melt कर pre-made base को melt करके soap बनाना होता है. यहाँ पे मैंने यही cold process soap को बना के रखा हुआ है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं जिसको मैंने different oils और sodium hydroxide lye से बनाया हुआ है. आप भी अपने घर पे ये बेस बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज हो. सो लेट्स मेल्ट आवर सोप बेस इनटू द माइक्रोवेव सो इट विल बी वेरी इजी. माइक्रोवेव इट ऑन हाई टेम्परेचर जस्ट फॉर 30 second or 20 second as per the quantity of soap base. Now you can see it's a liquid. Our soap base jo pura liquid ho chuka hai usko bahar le lijiye. So aaiye shuru kare 100 grams melted soap base. Now 1/8 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल. जैसे कि आप जानते हैं बादाम का तेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जिसमें विटामिन ई होता है जो स्किन की ड्राइनेस एक्ने डार्क सर्कल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है. 1/8 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल इज लाइक अ बून फॉर अ ड्राई स्किन एंड हेयर. It will cure all the breakages on your skin and will make your skin healthy. 1/4 teaspoon of aloe vera gel. Aloe vera gel ek bahut hi acha moisturizer hai naturally skin ke liye. It will work like a medicine for your skin. Let's add tea tree oil 2 to 3 drops. Again, tea tree oil essential oil स्किन प्रॉब्लम्स को कम करता है उसके साथ साथ स्किन को ग्लोइंग बनाता है. एड रोज एसेंशियल ऑयल और आप अपनी पसंद से दूसरा कोई एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं. 7 to 8 ड्रॉप्स. यहाँ पे मैंने रोज एसेंशियल ऑयल यूज किया हुआ है क्योंकि जब हम विंटर्स में ज्यादातर सनलाइट में रहते हैं तब हमारे स्किन पे जो भी रेडनेस इरिटेशंस हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन
इसको क्योर करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है. नाउ लेट्स जस्ट मिक्स दिस रियली एरोमेटिक एंड वेरी हेल्दी स्किन सॉल्यूशन. मिक्स दिस प्रॉपरली. अब आप इस मिक्सचर को किसी भी मोल्ड में डाल के कोई भी शेप दे सकते हैं. यहाँ पे मैंने दो सिलिकॉन मोल्ड्स लिए हुए हैं. जैसे कि हम खाने को गार्निश करते हैं, आई एम गोइंग टू गार्निश माई ग्लिसरीन बेस्ड सोप विद सम फ्लावर एंड टच ऑफ लेमन, जो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देगा और एक स्पा सोप सा टच देगा. यू कैन ओमिट दिस. तो अब ये सोप बनने के लिए रेडी हो. इस मिक्सर को अब एक घंटा ठंडा होने देना है और उसके बाद हमारे ग्लिसरीन बेस विंटर स्पा सोप्स आर रेडी. या रेडी टू यूज. नाउ लेट्स जस्ट चेक दिस आउट. यू कैन सी द बबल्स. यानी कि ये सोप दूसरे सोप्स के जैसा ही है, पर इसमें केमिकल्स का प्रयोग ना करके बहुत ही हेल्दी बनाया गया है. सो नाउ ट्रीट योर ड्राई विंटर स्किन विद दिस होममेड DIY प्रोडक्ट, अ ग्लिसरीन बेस्ड स्पा विंटर सोप, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं पर इसको यूज करके आप खुद अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दे पाएंगे. सो नाउ व्हाई आर यू गोइंग टू स्पास, जस्ट टेक योर स्पा एट योर होम. इसके साथ साथ आप इस प्रोडक्ट को अगर किसी को छोटी सी गिफ्ट देनी हो तो ये प्रोडक्ट भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो सामने वाले को बहुत ही स्पेशल फील करवाएगी. इस स्पा सोप को आप किसी भी सीजन में भी यूज कर सकते हैं और किसी भी एज के लोग इसे यूज कर सकते हैं. लव योर स्किन एंड मेक योर स्किन हेल्दी. इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Arohi आउट ऑफ बॉक्स एंड गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो. प्लीज डू शेयर विद एवरीवन. थैंक यू.